थोड़ी देर और बजा लो बस ठंडा बज में थोड़ी देर लगे पूरा चक्कर बजा रहे हैं कने हाल बजा दे तभी तन बजा रहे हैं खुशी है ना तीर हुआ याद रखना भैया जहां रुक्मणी रोई तुम कहां गोवर्धन के नीचे बैठे हो किशोरी सही जगह पे बैठे ना यहीं बैठो बस आप पूरा अपना बात कर याद रखना मत पंडित जी ने कहा रुक्मणी तुमने चिट्ठी लिखी जब आप दिया नहीं तो बिटिया चिट्ठी लिखो हम तुम्हारी चिट्ठी घर का भी इसका नहीं तक पहुंचा देंगे माता और रुक्मणी ने चिट्ठी लिखी है तो प्रमाण तो ये मिलता है तो एक अक्षर रुक्मणी लिखती है दो आंसू टपका देती है मैया पूरे पेज पे करवा चौथ सी बना के रखता ही और अंत में मोहर लगा दी तुम्हारे चरणों की चेरी रुक्मणी चिट्ठी लिख करके पंडित जी को पकड़ा दी पंडित जी ने मन में विचार किया कि यहाँ से 750 कोस तुम्हारे का है और हम पर बुढ़ापा है भला चला नहीं जाता है गर्मी का मौसम है माता भारी धूप पड़ रही है पंडित जी चिट्ठी को लेकर के आगे बढ़े धीरे 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 पंडित जी चलते जा रहे हैं मन में विचार किया कि थोड़ा आराम कर लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पंडित जी ने एक बगिया देखी है माताओं और मन में विचार किया कह तो भाई
सुंदर बगिया को देख करके माता उस बगिया में प्रवेश कर गई। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बड़ी सुंदर छाया है भैया, जहाँ पंडित जी ने अपना आसन लगा लिया माता, और पंडित जी आराम करने की सोच रहे हैं। और जब पंडित जी लेट गए हैं मैया, तो पंडित जी को नींद आ गई। गहरी नींद में पंडित जी उस बगिया में सो गए। द्वारकाधीश कन्हैया ने उधर देखा है माता कि पंडित जी सो रहे हैं। भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया से द्वारका के किनारे एक इतनी सुंदर बगिया बनाई है, जैसी बगिया में पंडित जी सोए हैं वैसी की वैसी बगिया बना करके, जहाँ पंडित जी सो रहे हैं वैसे ही एक पेड़ के नीचे आसन लगा दिया और पंडित जी को लेटा दिया। जब पंडित जी की आंख खुली तो पंडित जी मन में विचार करते हैं, बारे कन्हैया बारे कन्हैया, बड़ी लंबी लंबी भुजा है तेरी, न जाने कहाँ तक नजर है तेरी, ये क्या हो गया, मैं तो द्वारिका में सोते ही सोते आ गया। और जब भगवान कन्हैया द्वारका में पहुंचे हैं माता, सौरभ पुत्र भूपेंद्र सिंह और 300 रुपए की माला हमारे लिए और दीदी के लिए और अवधेश चिमटा मास्टर, ढोलक मास्टर, घड़ा मास्टर, हवन मास्टर, सभी के लिए 10-10 रुपया दान कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी ने समझाया है कि हे राजन परीक्षक, पंडित जी जिस समय द्वारका में पहुंचे तो एक ग्वाला से पूछा है भैया, भैया ये द्वारका नगर है क्या? पूछ रहे हो भैया, मैं ये पूछ रहा हूँ ये द्वारका नगर है क्या? द्वारका छह नहीं भैया, मुझे एक द्वारका में जाना है, ये द्वारका नगर है क्या भैया? हाँ तो छुटिया भाई भैया, ये पंडित जी पूर्व के नगर है, पूर्व वाले वैसे कम दिमाग के होते हैं। हाँ द्वारका ही है, द्वारका है। और अभी तो तुम कह रहे थे ये द्वारका छह, हमारे यहाँ भाषा है मैं को छे कहते हैं, क्यों को चो कहते हैं, चो चो क्या भैया बोलो? तो हम यही पूछ रहे थे भैया, क्या द्वारका है तो तू छक्काड़ो का अकेले पहले फिर रहो है? अब जो छक्काड़ो पहलो या तो है पछा में एक बुआ को लड़ा माल घर गो तो गुस्सा हो गो, सामने की रोटी खाने बोलो नहीं खे, मैंने खाने को नहीं खे, कह रहे नहीं खे तो नहीं खे, नहीं खे नहीं खाए, तो मेरा भाषा है को छे कहते हैं। इसी द्वारका नगर में कन्हैया रहते हैं क्या? हाँ यही रहते हैं कन्हैया, बोलो तो पूरी बात कहो धीरे धीरे कैसे बोल दो। अरे हम कन्हैया से मिलने आए हैं, भला कन्हैया कहाँ रहते हैं बता दो। तो केवल बंसी बजा पाते और तो कोई काम भी नहीं जानते, तुम्हें क्या काम कन्हैया से? अरे मुझे भीषम की बेटिया ने भेजा है, मैं चिट्ठी लेकर के आया हूँ द्वारका। अच्छा चिट्ठी लाए होते ऐसे घूम कर चले जाओ कहाँ? जवाब की साइड से होते हुए मुझे पा रखे उधर आते हुए करिया बैठे मैं सफेद पोछा डाले हैं। याद रखना माता, जहाँ भैया बलराम की सभा लगी है द्वारकाधीश कन्हैया बैठे हैं, पंडित जी पहुँच गए। दूर से आता हुआ पंडित जी को देखा, श्याम सुंदर ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आओ आओ, कैसे आना हुआ? जवाब दिया है श्याम, मुझे रुक्मिणी ने भेजा है। रुक्मिणी ने क्यों? अरे रुक्मिणी ने चिट्ठी पठवाई है आपके लिए। चिट्ठी? बोले हाँ। कहाँ है? चिट्ठी निकाल करके पंडित जी ने द्वारकाधीश कन्हैया को दी है माताओं। जब चिट्ठी को खोल करके पढ़ा तो श्याम सुंदर कहने लगे, पंडित जी